Students, how are you? Well, we are continuing with our English lessons, and in this session we are going to talk about Abraham Lincoln. I mean, this is a, you can say, very condensed biography of Abraham Lincoln. ये जो है अब्राहम लिंकन के बहुत ही condensed कह सकते हो कि biographical account है, जहाँ पर कि हम उनके life के बारे में जानते हैं. आप लोगों को biography और autobiography का difference तो भली भांति पता होगा. Biography मतलब जीवनी, जब हम किसी के life के बारे में जो कोई चीज़ किसी और ने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ autobiography, जहाँ पर कि किसी के खुद के द्वारा अपने लाइफ के बारे में लिखे हुए अकाउंट को हम पढ़ते हैं. सो लाइक व्हेन यू लाइक गेट इनटू क्लास 10, पॉसिबली यू विल हैव दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन फ्रैंक्स डायरी, व्हिच विल बी मोर लाइक एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. या फिर मान लीजिए कि हम गांधी के माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को पढ़ते हैं, या फिर नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से आप एक्सट्रैक्ट पढ़िएगा, वो भी जो है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दीज वर द अकाउंट्स यू नो लाइक नैरेटिव्स रिटन बाय द their life records written by those individuals, उन लोगों के द्वारा खुद से लिखे गए थे. In this case, we are reading about Abraham Lincoln, but it is written by somebody else, okay? But we are reading it anyway because like Abraham Lincoln is one of the, you know, like most inspirational and, you know, like, yeah, one of the most inspirational figures in the US history. और कह सकते हो कि हम लोग जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनकी तुलना जो है डॉक्टर अम्बेडकर से कर सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज लाइक इन इंडिया, यू नो लाइक द वे अम्बेडकर फॉट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज, राइट? जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकर ने जो है भारत में छुआछूत के विरोध में जो है एक स्टैंड लिया था, उसके खिलाफ उन्होंने जो है पॉलिटिकल डोमेन में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने आप को असर्ट किया, और इवेंचुअली अपने लेवल पर कम से कम उन्होंने जो है जस्टिस लाने की कोशिश की, उसी तरीके से अब्राहम लिंकन ने भी जो है यूएस हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने भी जो है वहां पर जो स्लेवरी की प्रैक्टिस थी, स्लेवरी का जो कानून था, गुलामी का जो कानून था, जिसके तहत जो ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को जो है गुलाम के तौर पर, स्लेव के तौर पर रखा जाता था, उनके साथ जो है मवेशियों वाला सलूक किया जाता, जिस तरीके से आप लोग क्या होता है ना, गाय हुआ, बैल हुआ, राइट, उसको जिस तरीके से आप यूज करते हो, बेसिकली उस तरीके से वहां पर इंसानों को ट्रीट किया जाता था. मीन्स कि लाइक उनके कोई राइट्स नहीं होते थे, उनसे जितना मन हो उतना काम करवा लेते थे. इवन जो उनके बच्चे होते थे, उन बच्चों के ऊपर भी उन स्लेव्स का अपना कोई लीगल राइट नहीं होता था. उन बच्चे को भी जो है जो स्लेव ओनर्स होते थे वो मवेशियों की तरह बेच सकते थे. बेसिकली दैट वाज यू नो लाइक द यू कैन से अनजस्ट नेचर ऑफ दिस एक्ट. इतना ही जो है कह सकते हो कि गलत ये कानून था, इतना ही जो है कह सकते हो कि अमानवीय ये कानून था, ओके? इसके अलावा उनको जो है राइट टू मैरिज नहीं था, वो शादी नहीं कर सकते थे, राइट? मतलब बेसिकली उनके लाइफ का कोई जो है ऐसा वजूद ही नहीं था. और ये अपने आप ही में कह सकते हो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा धब्बा था, राइट? किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा जो है ये ब्लॉट था, बहुत बड़ा धब्बा था, दाग था. और अब्राहम लिंकन ने जो है उसके खिलाफ जो है कह सकते हो कि एक संघर्ष शुरू किया. ही लिटरली वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट स्लेवरी इन अमेरिका. उन्होंने जो है सही तरीके मतलब एग्जैक्टली जो है लिटरली जो है उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ अमेरिका में युद्ध शुरू किया. युद्ध हो गया, इनफैक्ट अमेरिका में सिविल वॉर हुआ. तो हम लोग जो है इन चीज़ों के बारे में जानेंगे. बट बिफोर वी गेट इनटू दोज थिंग्स, लेट अस यू नो लाइक लर्न अबाउट अब्राहम्स लाइफ, आई मीन अब्राहम लिंकन्स लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग. अब्राहम लिंकन जो थे उनका जन्म जो है वो फरवरी 12, 1809 में हुआ था, एंड ही लिव टिल 15 अप्रैल 1865, ओके? वो यूएस के जो है 16th प्रेसिडेंट थे. उन्होंने जो है 4th ऑफ मार्च 1861 से लेके अप्रैल 15, 1865 तक इस रोल को निभाया. यूएस के प्रेसिडेंट रहे वो. 1864 में वो इलेक्टेड हुए थे, मतलब दूसरे टर्म के लिए वो चुने गए थे. तो ये तो हो गया अब्राहम लिंकन का पॉलिटिकल करियर. अब हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन के बचपन से, थोड़ा सा शुरू करते हैं. अब्राहम लिंकन जो थे वो काफ़ी मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से आते थे. मतलब काफ़ी कह सकते हो कि मतलब बिल्कुल गरीब तो नहीं कह सकते हो, बट बिल्कुल मतलब गरीब वाले ही जो है कह सकते हो कि लोअर इनकम वाले ग्रुप से ही वो आते थे. ही वॉज बॉर्न इन ए लॉग कैबिन नियर हॉजनविले, केंटकी. लॉग कैबिन मतलब वो लकड़ी का बना हुआ कटघरा टाइप का घर. एक्चुअली यूएस वगैरह में जो है देखो लकड़ी वगैरह का घर जो है काफ़ी कॉमन है, ठीक है ना? जैसे हम लोग के यहाँ जो है वैसे लोग दुकान वगैरह बनाते हैं अपनी लकड़ी से, राइट? लेकिन माउंटेनस एरियाज में हमारे इंडिया में भी आप देख सकते हो कि लोग लकड़ी के घर बनाते हैं. यूएस वगैरह में भी लकड़ी वगैरह का घर बनना जो है बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. तो वो जो है एक लॉग कैबिन में हॉजनविले केंटकी में पैदा हुए थे. ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग एंड वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड. फॉर्मल स्कूलिंग जैसे कि अभी आप लोग स्कूल आके पढ़ते हो, बाद में जाके आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन. दूसरी तरफ अगर घर पे रह के आप सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ते हो, किसी और से जो है हेल्प लेके आप पढ़ते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एजुकेशन. तो
वो सेल्फ एजुकेटेड थे लार्जली, आई मीन मोस्टली. ही इवेंचुअली बिकेम अ लॉयर एंड अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन. बाद में पढ़ाई उढ़ाई करके फाइनली जो है इवेंचुअली मतलब फाइनली अंततः जो है वो एक वकील बन गए. और इसके अलावा जो है रिपब्लिकन पार्टी, यूएसए में दो पार्टीज हैं ठीक है ना, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, तो वो रिपब्लिक पार्टी के जो है नेता भी बने वो. और उनको जो है एक निकनेम भी मिला, ऑनेस्ट एब. ओके, एब एक्चुअली बिब्लिकल कैरेक्टर है, बट वी डोंट हैव टू गेट इन टू दैट. ऑनेस्ट एब मतलब हो गया कि वो मतलब ईमानदारी की एकदम से पराकाष्ठ आती, भाई उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है. जैसे कि हम लोग के वो हरिश्चंद्र का कॉन्सेप्ट है ना, तो वैसे ही उनको माना गया. लिंकन मैरिड मैरी टॉड इन 1842 में उन्होंने जो है मैरी टॉड से शादी की. चार बच्चे हुए, दे हैड नो फोर सन्स, और बस उसमें से सिर्फ एक रॉबर्ट जो था वो सिर्फ जो है बचपन में बच पाया, वही जो है जिंदा रह पाया. रेस्ट ऑफ देम एक्चुअली डाइड इन द चाइल्डहुड. नाउ व्हेन यू नो लाइक आई मीन व्हेन लिंकन वाज व्हेन लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट, और लाइक व्हेन यू नो लाइक लिंकन ग्रू अप, उस समय में जो है अमेरिका में, यूएसए में जो है, आई मीन उस समय तक प्रॉपर यूएसए नहीं कह सकते, खैर चलो उस समय में यूएसए में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, पर्टिकुलरली स्लेवरी की प्रॉब्लम थी. ओके, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, इट वाज अ प्रॉब्लम. व्हाइट मैन जो थे, जो गोरे लोग जो थे, दे ओन लार्ज फार्म्स इन द सदर्न स्टेट्स. यूएसए को अगर दो हिस्से में बांट के देख लो आप, नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा. जैसे कि इंडिया में हम लोग बात करते हैं ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या फिर लाइक ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया. तो उस तरीके से अगर आप यूएस को जो है, यूएस के मैप को अगर आप जो है सामने रख के उसको नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दो, तो साउथ वाला जो हिस्सा था, जिसमें कि टेक्सस वगैरह सब भी आते थे, नॉर्थ कैरोलिना भी शायद उसी में आता था, आई एम नॉट श्योर. ओके, एनीवेज, तो वहाँ पर जो व्हाइट मैन थे वो बड़े बड़े फार्म ओनर्स हुआ करते थे, और ये जो है ब्लैक अफ्रीकन एथनिसिटी के लोगों को जो है अफ्रीका से, ये 16th-17th सेंचुरी की बात हो रही है, उस समय में अफ्रीका से जो है लोगों को काम करने के लिए लाया जाता था, और इनको जो है वहाँ पर गुलाम के तौर पर रखा जाता था. ओके, अब ये जो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे वो इस गुलामी की प्रथा के खिलाफ थे. देवर यू नो नॉर्दर्न स्टेट्स, देवर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड दे वांटेड टू एबोलिश इट. एबोलिश मतलब होता है निरस्त कर देना, खत्म कर देना. वो जो है इस गुलामी के कानून को, गुलामी की प्रथा को जो है वो खत्म करना चाहते थे. नाउ इसकी एक वजह ये थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन. जब मान लो अमेरिका का संविधान ही बना था, तो इनफैक्ट आप क्लास 9 में जाके जो है अमेरिका के संविधान के प्रीएम्बल को भी पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है कि दिस इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मैन. यहाँ पर जो है सभी मनुष्य को बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो फिर स्लेव्स जो हैं वो भी तो इंसान हैं, तो उनको बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? तो इसलिए कह सकते हो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पर जो है स्लेवरी के लिए कोई जगह नहीं थी, राइट? देयर वाज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन दैट कंट्री. लिंकन जो थे वो प्रेसिडेंट चुने गए थे नवंबर 1860 में, राइट? एंड ही वॉन्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, और वो जो है स्लेवरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे. नाउ अब लिंकन के प्रेसिडेंसी के टाइम में जो सदर्न स्टेट्स थे, उन्होंने दे सीसीडेड फ्रॉम द यूनियन बिकॉज दे वर अगेंस्ट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. तो लिंकन जो है वो स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे, तो इसके रिएक्शन में जो सदर्न स्टेट्स थे वो जो है इस अमेरिकन यूनियन से जो है वो निकल गए. सीसीड मतलब होता है अलग हो जाना, निकल जाना किसी गुट से, किसी ग्रुप से. तो दे सीसीडेड, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है स्लेवरी के निरस्त करने से, स्लेवरी को खत्म करने के खिलाफ थे वो, कि स्लेवरी रहनी चाहिए, ये उनका व्यू था. ऑन द अदर हैंड जो लिंकन थे या नॉर्दर्न स्टेट्स जो उनके साथ थे, वो स्लेवरी के बिल्कुल खिलाफ थे. तो सिर्फ 6 weeks आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के 6 हफ्ते के अंदर में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से अमेरिका की यूनिटी जो थी वो भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि भाई सारे स्टेट्स जो थे वही मिलके तो भाई यूएसए बना था, राइट? नॉर्थ साउथ सभी के स्टेट्स को मिला के जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था. अब अगर नॉर्थ के स्टेट्स और साउथ के स्टेट्स लड़ना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कंट्री की यूनिटी तो बिल्कुल खतरे में आती ही है. जेन्युइन सी बात है, कहीं इस पर डॉट ही नहीं है. Now, in this war, the northern states, which stayed in the union, for the southern states called the Confederacy. So basically, north wale states, jo ki US ke andar rahe, jo ki Lincoln ke saath rahe, they were called the unions. Dusri taraf, south wale, jo ki is, jinhone ki apne aap ko jo hai, is union se, USA se basically jo hai, withdraw kar liya tha, they were called the Confederacy. Okay? Ab southern states jo the, wo dusra desh banane ke liye tayar the. They were prepared to form another country. But अब्राहम लिंकन जो थे उनका ये था कि नहीं भाई, बंटवारा ऑप्शन ही नहीं है, साथ तो सबको रहना है, साथ भी रहना है और स्लेवरी भी खत्म करना है. दैट वाज व्हाट लिंकन वांटेड. सिविल वॉर जो है वो 1861 से लेके 1865 तक चला.
अब अब्राहम लिंकन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। एक तरफ तो मान लो कि वो किसी भी कीमत पर जो है अपने देश की एकता को, यूनिटी को जो है प्रिजर्व करना चाहते थे, उसको बचा के रखना चाहते थे। फाइनली जब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स, तो अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने काफ़ी बहादुरी के साथ उस युद्ध को जो है लीड किया, और उन्होंने जो है ये घोषणा की, अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। कोई राष्ट्र जो है वो आधा आज़ाद और आधा गुलाम नहीं रह सकता है। मतलब कि भाई कुछ सिटीजन्स को जो है आज़ादी दे रहे हैं, बाकी कुछ सिटीजन्स को आप गुलाम रख रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इवेंचुअली लिंकन के लीडरशिप में जो यूनियन जो था वो सिविल वॉर जीत गया। साउथ ने जो है कॉन्फेडरेसी ने जो है कॉन्फेडरेट आर्मी ने सरेंडर कर दिया, सदर्न स्टेट्स ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद जो है जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो देश भी जो है वो यूनाइटेड रह गया। On January 1863, Lincoln issued the Emancipation Proclamation, which eventually led to the freeing of all slaves in the USA. तो जनवरी 1 जनवरी 1963 को लिंकन ने जो है Emancipation Proclamation जो है वो issue किया। मतलब इसको मुक्ति घोषणा पत्र कह सकते हो, ठीक है ना। Emancipation का मतलब ही होता है मुक्ति, किसी भी जंजीर से मुक्ति, किसी गुलामी से मुक्ति, ओके। और इसके बाद जो है जितने भी USA के slaves थे वो ऑफिशियली जो मतलब लीगली वो सब के सब फ्री हो गए। अब ड्यूरिंग सिविल वॉर लिंकन ने बहुत सारे स्पीचेस दिए, जिसमें कि उनका गेटिसबर्ग का जो स्पीच है नवंबर 1863 का, ठीक है ना, वो जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है कोई देश जो है इट मस्ट बी डेडिकेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम इन ऑर्डर टू सर्वाइव। लिंकन का ये नहीं कहना था, वो मॉरली सिर्फ नहीं कह रहे थे कि भैया कंट्री के अंदर जो है सबको जो है सभी इंसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो सिर्फ मॉरल ग्राउंड पर नहीं कह रहे थे, वो ये इनफैक्ट ये कह रहे थे कि अगर किसी नेशन को सर्वाइव करना है, अगर किसी कंट्री को सर्वाइव करना है, तो उसको जो है ह्यूमन फ्रीडम के प्रति हमेशा समर्पित रहना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज झगड़ा होगा, झंझट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, नेशन या कंट्री जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो है लिंकन का व्यू था। अगेन व्हेन यू विल यू लाइक रीड भीमराव अम्बेडकर्स व्यूज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वहाँ पर भी आप इस तरह के आइडियाज़ को पाएंगे, बट दैट विल कम इन क्लास 9, वेट करेंगे उसके लिए हम। नाउ लिंकन वॉज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1864, उन्होंने जो है डेमोक्रेट कैंडिडेट जॉर्ज बी मैकेलन को हराया था। और अब वो जो है ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी एंड वॉन्टेड एवरी वन टू लिव इन पीस। अब वो किसी के खिलाफ नहीं थे कि नहीं साउथ वाले ने झगड़ा किया तो नहीं उसको नहीं छोड़ना है, उनको ये करना है, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि सब जो है शांति में रहे, और उन्होंने जो है इसके लिए जो है काफ़ी सिंसियर एफर्ट्स भी किया कि लोगों के जख्म भरे। सिविल वॉर के दरमियान जो लोगों के मन में जो एक मनमुटाव आ गया था, रोष आ गया था, जीतने वाले के मन में भी, हारने वाले के मन में, क्योंकि लड़ाई के बाद जो है उसका एक तीखा सा टेस्ट तो मुंह में रह ही जाता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है काफ़ी सिंसियरली जो है प्रयास किया। In 1862, Lincoln declared that from then onwards all slaves would be free. And 1862 में लिंकन ने declare किया था कि भाई इससे आगे सारे slaves जो हैं free हो जाएंगे। इसकी वजह से वो सभी लोगों के बीच में काफ़ी popular हुए। जो रॉबर्ट जनरल रॉबर्ट ई ली जो कॉन्फेडरेसी के जनरल लीडर थे बेसिकली, उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के सामने में, ठीक है ना, 1865 में, जिसके बाद से सिविल वॉर खत्म हो गया था। प्रेसिडेंट लिंकन जो थे उनको अप्रैल 14, 1865 तक वो प्रेसिडेंट रहे ना, तो 14th को जो है अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई, ठीक है ना, जॉन विल्क्स बूथ के द्वारा, जो कि एक्टर था। और कहाँ मारा गया, तो फोर्ट्स थिएटर इन वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहीं पर फोर्ट थिएटर में जो है उनको गोली मार दी गई। लिंकन वहाँ पर एक प्ले देख रहे थे। लिंकन जो है वो अगली सुबह मर गए। वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया। सो दैट इज़ अ ब्रीफ यू नो लाइक बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अब्राहम लिंकन। नाउ वी हैव टू मोर थिंग्स टू रीड इन इट। वी हैव टू नो लाइक लुक एट हिज गेटिसबर्ग एड्रेस एंड देन वी ऑल्सो हैव टू रीड अ लेटर दैट ही रोट टू हिज सन्स टीचर। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।